लाइफ में देता है सिर्फ एक बार, दिन एंड वन डे। इन्हीं एंडो के अंदर बैठा है स्पर्म, समझ आ गई? इन्हीं एंडो के अंदर कौन बैठा है? स्पर्म बैठा है। अब वो जो स्पर्म इनके अंदर बैठा है ना, वो मिलियन में पाए जाते हैं, मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन में। गिन नहीं सकते हो आप, गिनती नहीं कर पाओगे, इतने सारे स्पर्म बैठे हैं। लेकिन वो सारे के सारे स्पर्म मेच्योर नहीं है, समझो आप, ये सारे के सारे स्पर्म मेच्योर नहीं है, अनमेच्योर कंडीशन में पड़े रहते हैं। यानी अगर आप सोचो कि मैं इसका स्पर्म निकाल के चुरा लूं और अपने वजाइनस के थ्रू डाल दूं अंदर, तो इसका बेबी मेरे पास आ जाएगा, इसके नाम पर बच्चा मेरे अंदर हो जाएगा, आपको स्टूडेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर वो मेच्योर कंडीशन में चला गया है और फिर आप उसको इंजेक्ट करते हैं, वो तो इंजेक्शन के माध्यम से निकालते हैं और किसी और फीमेल के ओवरी में ट्रांसफर मार देते हैं, तो बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बच्चा पैदा हो जाएगा, संबंध के लिए बनाना पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। आपको एक मैं बात बताने जा रहा हूं, मन से सुन लेना इसी के ऊपर। जो लोग इसकी हायर स्टडी करते हैं ना, वो इसका फायदा भी पेड़ उठाते हैं। मैं कहता हूं जो भी मैं आज तक पढ़ाया उसको जिंदगी में अब्सॉर्ब कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए और उसको फॉलो भी करते रहिए जिंदगी में, ठीक है? उससे कुछ ना कुछ फायदा उठाइए, उसको जिंदगी फॉलो करके चलिए। तो मेरे बच्चे हर चीज ना फॉलो करिए, ये तो फॉलो करना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये कि जिस क्लास में मैं पढ़ रहा था उसी क्लास में एक लड़की पढ़ रही थी, वो लड़की बहुत खतरनाक थी, वो जानती क्या किया था, वो ऑलरेडी उसकी जो मॉम थी, मम्मी, वो बार ड्रांसर थी दिल्ली की। उसने देखा कि एक बहुत ही अमीर आदमी रोज आता है, एक कमरे में चला जाता है अंदर और दो घंटे बाद उस कमरे से निकल के चला जाता है। वो सोचे कि ये रोज आता है, चक्कर क्या, काम क्या करता है? तो उसने ध्यान तो क्या किया, उसने सोचा, अब वो जो बाहर आंसर थी ना उसको ज्ञान था कि वो बायोलॉजी की दुनिया में थी, पढ़ चुकी थी, तो भैया उसको पता था कि इस बार में अंडे जब मिलते तो बच्चा बन जाता है। तो सारा सोचा कि कार में बच्चे बना लेते। उसने देखा कि एक आदमी आया, रूम में गया, रूम के बाद सीधे निकल गया, उसने वो भी चली गई अपने रूम, और रूम का जो डस्टबिन होता है, डस्टबिन में झाड़ता, पहले देखा तो कुछ मिला ही नहीं, डस्टबिन में देखा तो कंडोम्स पड़े थे, समझ कंडोम्स, मैं किताब में है बराबर नहीं बना होता। तो प्रोडक्शन होता है, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे जो अनमैरिड लोग होते हैं वो लोग संबंध बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी का किसी को यूज करते हैं ताकि हमारे स्पर्म किसी में रहा उसके अंदर ना जाने पाए, ठीक है? तो ऐसे ऐसे होता है, गुब्बारे जैसे होता है सर, हमें पता है, हमें पता है, इसको गुब्बारे जैसे होता है, इसको पहले चलाते हैं फिर इसके बाद काम करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता, उसके वजाइना के थ्रू वजाइना बाहर से अंदर नहीं जाता, तो वो लोग सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। मैरिज के बाद कई लोग इसका सहारा लेते ताकि बेबी ना आ जाए इनसे, हमको मालूम मैरिज हो गई, हमको चार पांच साल बाद चाहिए, मस्ती करना है, भैया इसको लगा के फिर वो लोग इंटरकोर्स करते हैं। तो कहने का मतलब ये, उसने देखा तो उसको ये मिल गया, इसको वो ये मिल गया, अब इसको ले गई घर, घर ले जाने के बाद थोड़ा सा पानी को कुनकुना किया, उसी में इसको डाल दिया, डालने के बाद उस पानी से उस पानी को फिल्टर किया। मेडिकल की लड़की थी भाई, लड़की मेडिकल की लड़की थी, बस उसकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, वो जिस मम्मी बात कर रहा ना वो ऑलरेडी डॉक्टर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर को छोड़ के सिर्फ वो बाहर आंसर काम करेगी, बाहर आंसर का जितना मिलना पैसा उतना मेडिकल में मिली, जैसे बता चुका एमबीबीएस में भगवान तुमको लगता है इतनी बड़ी बड़ी डिग्री यार जिनकी कोई इज्जत नहीं यार, पढ़ो तो अच्छे से पता चले, अभी दिन बाहर निकल जाओ तो पता चलेगा कि कैसी जिंदगी है, ठीक है? तो आप बिल्कुल तुमको दो दो चौराहे मिलते चौराहे बैठे 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 पोस्ट क्या नहीं रहेगी, कोई कोई गल नहीं। बेटे उसको ले गया, तुमने पानी डाला और उससे उस पानी को फिल्टर करके उस आटा निकाल दिया, सॉरी उसका निकाल दिया क्योंकि मेल ने यूज किया था, तो उसका भी निकाल लिया अंडा, सॉरी इसका निकाल लिया, ये बात की बात, इसको निकालने के बाद उसको इंजेक्शन में भरा और अपने ओवरी में लगा लिया। ओवरी में लगाने के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया, 9 महीने का काम शुरू हो गया, बेबी हो गया। बेबी होने के बाद कोर्ट में केस करके जाके बोला देखो ये बच्चा मेरा और इसका है, बुलाया गया उसको, बोला क्यों भाई इसके साथ इसको छोड़ा क्यों, बोला आप तो जानते नहीं सर पहली बार देखने से छोड़ने के बाद क्या है, उसको मार दिया।
कहानी। तो जो लोग स्टडी करते हैं इस लेवल की, तो इसका फायदा भी उठाते हैं। और मैंने जब कानपुर से आया था, मेरे बारे में शुरू एक 30 सेकंड बात है, अरे तुम लोग को पढ़ाकर सुनना मेरे बारे में, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया था। तो भैया क्या हुआ था कि मैं कानपुर से आया था, बड़ा जोश वोश था, अब यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो गया, यानी लोगों को देख के उस लेवल का आदमी नहीं मिलता। भैया 10 बजे से तुम 10 बजे पढ़ते हो ना, तो तुम्हें 10 मिनट क्लास के लड़के मिल जाएंगे, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप एक दूसरे से बात करेंगे इतने इस लेवल की फ्रेंडशिप लेवल की। मगर मेरे लेवल का कोई आज तक आदमी नहीं मिला इस लेवल। सर कोई मेडिकल की तैयारी नहीं करता, समझे? तो हम किससे मिलने, किससे बात करें? जिससे बात करें सर अपना अपनी क्लास सुनाएगा, अगले लेवल की जानकारी देगा, तो हमारा भी अगले लेवल चला जाएगा। इससे किसी का बैठना ही बेकार है, समझाई ना भैया? जहाँ भी आओ, जब मैं वहां से आया था ऑलरेडी 3 एक्सपेरिमेंट करके कानपुर से आया था, चौथा एक्सपेरिमेंट में याद करने वाला था भैया। चौथा एक्सपेरिमेंट ये था कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, आपके सिलेबस पढ़ा है, उसके अंदर बताऊंगा कि भैया टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का मेन मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, सारी सारी बातें आपकी किताब की है, आउट ऑफ किताब की, ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम मानव निर्मित बेबी, बेबी प्लानिंग, मानव निर्मित यानी कि नेचुरल बेबी प्लानिंग नहीं, मानव निर्मित मनुष्य द्वारा। तो मुझे चाहिए था सिर्फ अंडा, समझ लो मेरे पास खुद का स्पर्म है, मुझे अंडे की आवश्यकता है। अब ये स्पर्म थोड़ा ढूंढा फिर किसी और पास, जो अपने पास था, मेरे पास स्पर्म तो था बट अंडा नहीं था। और मैंने कहा भाई किस लड़की से संपर्क किया जाए, किस घर से संपर्क किया जाए, सारी घर किसी को कहे तो लड़ना पड़ेगी, मार मार के फालतू लफड़ा हो जाएगा क्या कहकर, यानी किसी को बड़ा कह नहीं सकते यार। मेरे पास 37 का डाटा था पहले से, मैंने कहा किसी का ले लूंगा, समझिए बात। भैया मैं गया इनके पास, गया मैंने कहा एक काम करना लड़की, बोला सर जी आपके लिए जान हाजिर है, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा जाना नहीं चाहिए, मुझे एक काम करना, जब भी आपका मंथली एमसी आता है तो एमसी के दौरान जो भी आप कपड़ा यूज करते हो वो कपड़ा इस बार फेंकना नहीं, रख लेते। तो भैया मैंने क्या किया, एक एमसी में एक अंडा निकलता, समझिए बात। मैंने उसके 5 एमसी के, एक ही नहीं 5 अलग अलग लड़कियों के कपड़े से ले लिया, पैड्स ले लिए, जो पैड्स यूज करते हैं गाँव में, कपड़े यूज करते हैं, ज्यादा ज्ञान है नहीं, अवेयरनेस कहाँ है यहाँ पे। और जो हाई, जो हायर थोड़ा सा मेंटली ठीक होती लग गया, वो लोग पैड्स यूज करते हैं जो मार्केट में मिलता है। मैंने उन्हीं का पैड्स ले लिया, 5 पैड्स लेने के बाद उसको कम में पानी डाला, उसका अंडा निकाला, निकालने के बाद अपना स्पर्म डाल, उसको स्पर्म कैसे निकलता है और अंडा कैसे निकलता है। अगर आप जरूरी नहीं कि एमसी के दौरान ही अंडा निकलेगा, समझ बात को, एक प्रोसेस है जिससे अंडा निकल सकता है, वो प्रोसेस ये है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन अगर बॉयज करता है तभी निकलेगा स्पर्म, अगर गर्ल्स करती है तभी निकलेगा अंडा, चाहे जब तो आप मतलब किसी भी टाइप का कर डाल सकते हो मास्टरबेशन करके, ठीक है? बट समझिए बात को, हमने भैया एक प्रोसेस किया अपने घर पे, भैया अंडा डाल दिया, वो भी डाल दिया, भैया मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा चला गया 2 दिन के लिए बाहर, हमने देखा तो कुछ नहीं बचा था, कहने का मतलब ये कि इतनी चिटियां उसमें लगी थी, सब खराब होकर निकल गए, मैंने कर लिया भैया हमारे बच्चे बच्चे हो गए भैया, हमारे इस बच्चों को चिटिया खा गई, अब चिटियों के बच्चे पैदा होंगे वो हमारे कहलाएंगे, तो हमने कहा कि हम सबके बाप बन गए भैया। अपने सब को किसी खिलाना भी गुनाह होता है भैया, अगर हमारे पर निकलता है और कोई चीटी वगैरह कोई भी ऑर्गेनिज्म खा लेता ना, तो उसके अंदर हमारे ऊपर चले जाते हैं। आपको मैं बात बता दूं, कुत्ता इस दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, कुत्ता कुत्ता आपकी शक्ल देख के बता देगा कि आपको क्या बीमारी है, आपको एड्स है, HIV है, और जो भी वायरस कोरोना वायरस है, या जुकाम है, बुखार है, फीवर है, लीवर है, तो जो भी जितनी बीमारियां आपके आपके बॉडी में होंगी कुत्ता देख के बता देगा। लेकिन समस्या इस बात की कि कुत्ते की भाषा पढ़ नहीं पाते, वरना कुत्ते से अच्छा डॉक्टर आज तक इस दुनिया में नहीं बना है। कुत्ता हर एक जानवर देख बता देता, आपकी शक्ल आप आगे देख बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मालिक का बहुत बड़ा पता कुत्ता होता है, समझ लो। इसलिए हमारे देश में कम से 25-30 हजार कुत्ते ट्रेनिंग, कुत्तों की ट्रेनिंग दी गई है। आजकल इंसान पीछे रह गए, कुत्ते आगे निकल गए, समझो आपको, चांद में भेजे गया था कुत्ते को, इंसान को पता है ना, चांद में कुत्ते को भेजा गया, सबसे पहले सवारी की थी कुत्ते ने चांद की। अभी हमारे जो बॉर्डर में सैनिक लगे ना, वहां भी कुत्ते लगाते हैं, समझो आपको, अभी 25-30 हजार कुत्ते की ट्रेनिंग देगी, कुत्तों की ट्रेनिंग देकर निकाल दिया गया बॉर्डर में, भेज दिया गया। अभी मेडिकल फील्ड में भी कुत्ते लगे हैं, यानी देखो इंसान कोई भरी नहीं, इंसान भाग भाग के डर के, और कुत्ते देखा भागे भागे भाग रहे कुत्ते कहते हैं हमें मत ले जाओ, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं जाना, देखो वो ट्रेनिंग देखे वो ट्रेनिंग खोजा लेते हैं,
लेकिन उससे पहले
अच्छा है, लेक्चर पर तुम चेक कर लेना बेटा। ये जो होता है ना, ये डायमंड जैसी संरचना बनाता है जी, जहाँ ये पूरा सिक्योरिटी रहता है, कनेक्टेड रहता है। आप भैया एक बात सुनो यहाँ से, मैंने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा आसान है प्लीज, थोड़ा सा पढ़ाई करना तो पढ़ाई कर लो अच्छे से। भैया मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज द वेजाइनल पार्ट, दिस इज द जी पॉइंट। मैंने बताया पहले बता चुका था कि ये जी पॉइंट है, और ये जी होता है ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग होती है। वेजाइनल ओपनिंग मतलब जो फ्रंटिंग फ्रंटिंग जो गेट होता है, फ्रंट गेट होता है, उसको वेजाइनल कहते हैं, और उसी गेट को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। वेजाइनल ओपनिंग के पीछे अगर क्राउड हो जाओगे तो आपको मिलेगा बर्थ कैनाल, जहां बर्थ कैनाल मतलब होता है बर्थ, मतलब की जन्म करना, कैनाल का मतलब होता है कि जगह, ऐसी जगह जहां से बच्चे निकलते हैं, उसको कहते हैं बर्थ कैनाल। बच्चे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, दूसरा लेक्चर कहीं नहीं बताता, मेरे बर्थ कैनाल कहलाता है। लेकिन मेरे बच्चे बाहर आ रहे, जब भी इनका कोर्स होगा तो ये पूरा पूरा स्टम यहाँ से बजाने से एंट्री मारेगा, तो आप हम बना दें एक बार के, समझ लो एक बार अगर आपने इनका कोर्स किया तो कम से कम 10 से 15 करोड़ स्टम एक साथ निकलते हैं। बात को समझने को खतरा बात है, 10 से 15 करोड़ बहुत सारे, अगर आप सोच भी नहीं सकते हमारे बनाने के लिए रहा जाए, यानी कि पूरे बारे को समझ पाना, ज्ञान कर पाना किसी बस बात नहीं। और ऊपर वाले को ब्रह्मांड को बवाल नहीं, ब्रह्मांड यानी कि बहुत किसी से प्यार है दुनिया में। बेटे एक बार जब इसका एक बार जब इंटरव्यूज होता है ना, तो एक बार में 10 से 15 बिलियन, 10 से 15 बिलियन, और कभी कभी होता है मतलब बॉडी के हिसाब से होता है, हिमालय जैसे हमारा होगा, हमारे 10 से 15 करोड़ या हजार, ठीक है, इसके बाद हमारे पास सही नहीं जाए तो 15 करोड़ थोड़ा नहीं कराएंगे, बात है।
इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अभी फैलोपियन ट्यूब के बीच में जाली आती है, सारे सहेलियों को चलो कि बहुत सारे लोग आएंगे सर हम सबको लोग खा रहे हैं, चलो एक ही को सर को केवल एक ही दे देता हूं मैं, देखेंगे तुरंत मेरा कुछ ज्यादा मारा है बोल जा रहा है बेटा, यहां से इस पर को समझो आप इस पर को आज एक मीटर क्रॉस किए ना बेटा एक हफ्ते पहुंचता फलोपियन ट्यूब तक, इस पर यानी 7 दिन का टाइम लगता है यहां तक पहुंचने में, फलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में 7 दिन का टाइम लगता है। अब ये 7 दिन का टाइम जो लगा 7 डेज का, ये जो 7 डेज का टाइम लगा इसके दौरान कई लोग भाग भाग के एक घिस जाते हैं, रुक जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं। और देखो ये जो पार्ट इधर में आते इधर आते हैं, पर ये जो पार्ट में बच्चे ये वाला इधर वाला बता देता हूं, सेम टू सेम है, इधर बता दो बेटा, इधर के पार्ट में ना ऐसे 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 संरचना बनाते हैं, ऐसे संरचना। इस पर आगे आता है ये संरचना सभी जगह होती है, जस्ट अपोजिट लाइक संरचना होती है। इस पर विचार फंस जाता सीधे इधर चला जाएगा, इधर चला जाए मुंह के बजाय सामने लगेगा, कभी यहाँ लगेगा, विचार बहुत कड़ी मेहनत करता है, मतलब अंडर तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है सर, 15 से 20 करोड़ स्पर्म मर जाते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, एक ही स्पर्म दो स्पर्म पहुंच पाते हैं अंडे तक, वो अंडे पास उतर जाते ना तो मान लीजिए यहाँ अंडा आता है एक स्पर्म पहुंच जाए, जब स्पर्म पहुंचता है ना विचार यहाँ से बाहर करके कंपटीशन करते हुए यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे जो अंडा है ना अंडा, इस अंडे की जो बिली है वजह से हमारे पंप डेवलप नहीं हो पाता। तो आज के युग में अगर 10 आदमी को देखा जाए
बात कर रहा हूँ, भारत का नहीं, भारत सबसे आगे बच्चा पैदा करने समझ बात, लेकिन नहीं, लेकिन ये हालत हो गई है मेरे बच्चे। सबसे बड़ा रीजन होता है ये, यहाँ पर हम फोन करते हैं बंदूक के दिन, कि मेरा फोन जो होता है वो 9.099 का रेडिएशन इंक्रीज करता है और रेडिएशन बच्चे इसको सुमार देता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ या आप फोन मत करना करो, वॉइस की इसमें से बात चल रही है समझा ना। और अगर गर्ल्स की अगर बात करें तो ये मिल जो होता है इसके सामने कभी भी फोन का इस्तेमाल मत करें, दूर से करें, कभी आप जेब पर रखे नहीं, इसलिए इसलिए हमारे भारत सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है कि किसी भी फीमेल की जेब फ्रंटिंग में जेब भी नहीं बना हुआ। देखो आप कभी भी टेस्ट कर लेना, लड़की भी जाते तो यहाँ पे जेब मत लेगा, नहीं मिलता लड़कों भी मिलेगा, क्योंकि लड़के फोन साहब भी निकलेगा फीमेल पाने से थोड़ा होता है उनका, तो इसीलिए देखो टेक्निक होती है। कभी सोचा करो कि भैया हमारा जेब नहीं नहीं रिजल्ट गया, मैं ये सब आपको सोचा कर उस दिन टेस्ट पेपर में तो बता दे कि जेब क्यों होता है, तो देखिए मेरे बच्चे ये कहानी है पूरी की पूरी स्पर्म की। और ये बात बता दें कि मैंने बताया है 70 से 80 साल स्पर्म को डेवलप होने में टाइम लगता है। हां सॉरी माफ कर आई वेरी सॉरी आई ब्रेनली फ्रेंडली मैनली सब को सॉरी, ठीक है। इधर देखो जितने दिन में टाइम लगता है मेरे बच्चे, और ये बात सुन लो यार बच्चे, बहुत ही खतरनाक बात बताने जा रहा हूं, खतरनाक बात मन है मेरे, इतने दिन में टाइम तो लगता है, यही हमारी ताकत होती है समझे बात को, इस दुनिया में अपने बॉडी को ताकत देना, बॉडी बनाना है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है, ये इतने दिन में एक बार बनता है से एक बूंद बनने के लिए 70 से 75 दिन टाइम लगता है। अब मास्टर में से के दौरान सारे लड़के क्या करते हैं कि सर एक दिन में कम से कम 50-60 दिन लगते हैं, 50-60 दिन मतलब 5-6 हो ज्यादा ज्यादा लगते हैं, तो एक मास्टर में से जान लो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी का नुकसान करने लग जाते हो, कहने का मतलब ये कि 70 से 80 साल की फसल तुम एक दिन में बर्बाद कर देते हो अगर मैं ऐसा कुछ गलत नहीं। इसलिए हमारे देश में एक नियम आया है कि पाकिस्तान ज्यादा लिमिट में रहे, ज्यादा उड़े मत, वरना उड़ेगा तो हम बाथरूम करने तुम बह जाओगे, वो यही सब बताता है, कहते ना बाथरूम हुआ बाथरूम बात कौन से सुने होंगे पाकिस्तान जा हो गया इसको मत निकाल के आना इसको हम बाथरूम करके आना सर हमें भी जाना है बेटा इधर इधर आइए इधर देखिए देखिए हम ये कह रहे हैं कि भैया बात हमारे प्रतिनिधि जो संख्या को बाथरूम करने को मिल जाएगा कहते ना जल्दी से छापी फटाक से जल्दी बंद करो मुझे आगे बता रहे।